तो इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं इस वन ब्लॉक में सर्वाइव करने की। लेकिन यह कोई नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पर हमें मिलता है सिर्फ वन ब्लॉक और उसकी मदद से हमें गेम में प्रोग्रेस करनी होती है। और इसकी डिफिकल्टी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें खेलेंगे हार्डकोर मोड में। तो क्या लगता है इस वर्ल्ड में हम सर्वाइव कर पाएंगे और वो भी हार्डकोर मोड में? नहीं भाई, जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना एंड या एंजॉय द वीडियो। सो ये आ गए हम अपने ब्रांड न्यू वन ब्लॉक वर्ल्ड में और ये माइन कर लिया हमने अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड का पहला ब्लॉक एंड इसी के साथ हमारी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है। एंड अगर तुम लोगों ने इस सीरीज पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया तो ये सीरीज बहुत आगे तक जाने वाली है, मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ। ओके, तो कुछ ब्लॉक्स में हमारे पास आ गई है एक चेस्ट जिसके अंदर होती है एक ओक की सैपलिंग और दो वीट सीड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है एक पिगी भैया, लेकिन अभी तक हमने अपने एरिया को एक्सपेंड नहीं किया है। तो फिर वुड की मदद से मैं बनाता हूँ अपने लिए कुछ प्लैंक्स और जल्दी से अपने एरिया को एक्सपेंड करता हूँ। अरे भाई साहब, हमारा पहला एनिमल, हमारा पहला मेहमान इस वन ब्लॉक का भाई मिस्टेक गलती से नीचे गिर गया। बट हाँ, मुझे अपना वर्ल्ड एक्सपांड कर लेना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया और हमारा पिगी भाई चला गया। ओके, तो एक और चेस्ट और इसके अंदर एक और वॉक की सैपलिंग। तो अब अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में ग्रेवल जैसे ग्रेविटी ब्लॉक्स भी पॉन हो रहे हैं और वो नीचे गिर रहे हैं क्योंकि उसके नीचे कोई भी ब्लॉक नहीं है। एंड तुम लोगों को तो पता ही होगा कि इसके बाद अब क्या आने वाला है। ओके, तो देखो, मैंने जैसे कि तुम लोगों को बोला था, ये आ गई है एक चेस्ट और इस चेस्ट में गारंटेड होने वाली है एक वाटर बकेट। और जैसे कि मैंने तुम लोगों से बोला, और ये वाटर बकेट हमें इसीलिए दी है ताकि इसकी मदद से हम अपने वन ब्लॉक के नीचे एक और ब्लॉक लगा सके और ग्रेवल जैसे ग्रेविटी ब्लॉक नीचे ना गिरे। एंड इसी के साथ हम अभी ग्रेवल को भी कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ। भाई इस बार चेस्ट तो स्पॉन हुई लेकिन उसके साथ ना अलग साउंड हुआ, थोड़ा सा विलेजर का साउंड भी आया है, तो शायद इसमें कुछ तो मजेदार लूट मिलने वाली है हमको। भाई इसमें ओक लॉक पड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, ये भी हमारे काम आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ट्यूटोरियल फेज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल एंड क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ सारे वुडन टूल्स एंड इन वुडन टूल्स की मदद से अपने माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। सो कुछ ही देर में हमें अपने वन ब्लॉक से वाटर मेलन भी मिल रहा था, सो ये वाटर मेलन हमारे इनिशियल डेज में वन ब्लॉक में सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा काम आएगा। हेलो पिगी जी, तुम अब सेफ रहोगे, तुम इधर चलो, यहाँ से हिलना नहीं है भाई तुमको। ओहो, गौ माता इज आल्सो हियर, बकरी भी आ चुकी है। हेलो दीदी, आप भी थोड़ा सा साइड हो जाओ, हमें अपना काम करने दो। ओहो, मोगरी भी आ चुकी है, चलो साइड हो जाओ। ओके, एक और चेस्ट और इसमें कुछ लेदर और कुछ वीट सीड। तो ये देखो, अभी हमारे पास है दो काम, दो सिप्स और दो पिगी जी। मुगरी क्या हुआ, अभी तक तेरा कोई भाई क्यों नहीं आया? तू चाहती है कि मैं इस वन ब्लॉक को माइन करूं? फिर ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। ये भगवान, क्या जुलुम है। हाँ। विलेजर साउंड वाली एक और चेस्ट एंड इसके अंदर एक ग्रास ब्लॉक, एक बर्ड की सैपलिंग, एक ओक की सैपलिंग और कुछ एप्पल। एंड इसी के साथ हमारा प्लेन्स वाला फेज भी कम्प्लीट हो गया है एंड शायद से अब अगला अंडरग्राउंड फेज आएगा जिसमें हमें मिलेंगे कोबल स्टोन। तो ये रहा कोबल स्टोन, लेकिन उससे पहले हम अपने सारे आइटम को चेस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं एंड उसके बाद मैं बनाता हूँ अपने लिए एक वुडन पिकक्स। एंड फाइनली अब हम जल्दी से कोबल स्टोन में कवर होने वाले हैं, मतलब स्टोन टूल्स में अपग्रेड होने वाले हैं। ओके, कोल भी मिल रहा है, ये तो वही बात हो गई, कोई मिल गया। अरे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एंड उसके बाद मैं बनाता हूँ अपने लिए एक स्टोन की पिकक्स एंड जल्दी से उस आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके भाई साहब, अभी हमारे पास आ चुके हैं एक मशरूम गांव। तो अभी हमें फूड की कमी तो नहीं होगी क्योंकि अभी हमारे पास हो चुका है अनलिमिटेड फूड। तो गाइस, अभी हम बनाने वाले हैं अपने लिए एक छोटा सा वुड फार्म ताकि हमें वुड की कमी ना हो। फिर मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ बहुत सारे स्लैब्स एंड फिर अपने छोटे से ट्री फार्म का काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी हमारा ट्री फार्म बनके रेडी है, उसके बाद मैं अपने माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। एंड उसके बाद आ जाते ही एक और चेस्ट और उसमें हमें मिल जाता है, नहीं ठीक है कोई बात नहीं चलेगा साले तू। एंड उसके बाद बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद हमें मिल जाती है एक और चेस्ट, लेकिन ये कोई नॉर्मल चेस्ट नहीं थी क्योंकि इसमें समय मिल जाती है दो दो स्प्रूस की सैपलिंग। और आप लोगों को तो पता ही है कि स्प्रूस वुड कितना बढ़िया वुड सोर्स है। हेलो, ओ सुतली बोमी जी, यार नहीं 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 कि नहीं भाई, इस वन ब्लॉक में काम करना इतना मुश्किल होता है, लेकिन क्रीपर ने मेरा काम और बढ़ा दिया। उसके बाद फटाफट से मैं अपने एरिया को रिपेयर करता हूँ एंड हमें चेस्ट से जो स्प्रूस की सैपलिंग मिली थी उसको भी मैं प्लांट कर देता हूँ।
नाइस, अब ठीक है भाई, अभी कोई बीच में नहीं आएगा एंड हम भी बहुत ज्यादा सेफ रहेंगे। एंड उसके बाद स्टोन की मदद से मैं बनाता हूँ अपने लिए एक फर्नेस और उसमें आयरन को स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ। एंड आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद उसकी मदद से मैं बनाता हूँ अपने लिए एक सीयर एंड जल्दी से वुल को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड वूल कलेक्ट करने के बाद मैं बनाता हूँ अपने लिए एक बेड एंड हमें टाइम टू टाइम ट्री भी चॉप करते रहना पड़ेगा क्योंकि आगे जाकर हमें वुड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है बिल्ड्स में। एंड भाई इन्होंने मेरे आइलैंड को जू बना रखा है, सो आगे जाकर हमें इन लोगों के लिए भी एक बांध बनाना है जहाँ पे ये लोग रहेंगे। ओ भाई साहब, अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी से वॉल बना ली, चल निकल तू ज़ॉम्बी। उसके बाद माइनिंग करते करते हमारे सभी टूल्स एकदम टूटने के हो गए थे, तो उसके बाद मैं बनाता हूँ अपने लिए न्यू स्टोन के टूल्स। एंड उसके बाद रात हो गई थी तो मैं जल्दी से बेड लगाकर सो जाता हूँ। एंड गाइस ये आ गई है एक और चेस्ट और उसके अंदर से हमें मिल जाता है एक रेड मशरूम। ओ भाई साहब, नहीं 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 नहीं, अरे ये फटा तो जरूर था लेकिन कुछ डैमेज तो किया नहीं, लगता है कि कोई फुसकी बम था। कि मैंने कहा था ना कि ये है असली सुतली बम, वो तो फुसकी था। कि मैं भी क्या इसकी तारीफ कर रहा हूँ, इसने तो मेरा काम और बढ़ा दिया। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। एंड जैसे कि मैंने तुम लोगों से बोला, ये फेज भी खत्म हो गया है एंड थोड़ी देर में हमारा न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद कोल की मदद से मैं सभी आयरन को स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ एंड फिर थोड़े से वुड कलेक्ट करता हूँ। तो गाइस अभी हमारे सभी आयरन स्मेल्ट हो गए है तो उसकी मदद से मैं बनाता हूँ अपने लिए न्यू आयरन के टूल्स। तो गाइस अब मुझे लगता है कि हमें अपने एनिमल्स के लिए एक छोटा सा बांध बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इतने छोटे एरिया में फसड़ मचा रहा है। तो अब हम क्राफ्ट करते हैं बहुत सारी स्लैब्स। सो ये बन गई बहुत सारी स्लैब्स और ये क्राफ्ट कर लिए हमने बहुत सारे फेंसेस भी। आई नो कि ये कम पड़ जाएंगे बट हम आगे जाके क्राफ्ट कर लेंगे। सो अब चलते हैं एंड बिल्ड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म को। एंड ये अपना छोटा सा बांध बन के रेडी हो गया है एंड अब हमें इन सारे एनिमल्स को अपने अपनी जगह पे ट्रांसफर करना है। तो गाइस पिगी जी और मुर्गी जी को तो हमने कैद कर लिया, हाँ मतलब अपने बांध में रख दिया, लेकिन इन लोगों को ले जाने के लिए मेरे पास एक भी वीट नहीं है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास है कुछ बोन्स, ये क्राफ्ट कर लिए मैंने एक हो एंड बोन मिल की मदद से हम जल्दी से सीड्स को ग्रो कर लेते हैं। अरे भाई यकी तो वीट था लेकिन वो भी इसने खा ली। अरे भाई साहब, तो अभी हमारे पास वीट को ग्रो करने के लिए बोन मिल नहीं है, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक और आइडिया है और वो है एक कंपोस्टर बनाने का। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे कंपोस्टर के बारे में याद आ गया, वरना तो एंड उसके बाद बोर्ड की मदद से मैं सभी एनिमल्स को अलग करने के लिए आता हूँ। लेकिन तभी ओ भाई साहब भागो 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 भागो, एक के बाद एक मॉब स्पॉन हो ही रहे थे। तो फिर जल्दी से बेड लगा कर सो जाते हैं। एंड अभी हमारे पास है सिर्फ एक वाटर बकेट एंड हम इस एक वाटर बकेट की मदद से दो वाटर बकेट बना सकते हैं। सो हमें एक ब्लॉक ऊपर जाना है और हमें इस ऊपर वाले ब्लॉक पे डालना है वाटर एंड हमें मारना है बोन मिल इस जगह पे एंड यहाँ पे ग्रो हो जाएगा एक सी ग्रास। और जैसे इसको ब्रेक करेंगे हमारे पास आ चुके हैं दो दो वाटर बकेट एंड अब स्टार्ट हो गई है अपनी फेज नंबर 3 जो कि है आइसिक्रोन रा। हमें इसमें न्यू न्यू ब्लॉक और रिसोर्सेज भी मिलेंगे एंड साथ ही बहुत सारे न्यू मॉब्स और एनिमल्स भी। ओ भाई साहब वुल्फ, लेट्स गो, अपने वर्ल्ड ब्लॉक में एक वुल्फ भी स्पॉन हो गया है। तो अभी मेरे पास है सिर्फ दो ही बोन्स, प्लीज इसमें टेम हो जाना यार। कि नहीं भाई, अब सिर्फ एक ही बची है, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ भाई साहब लेजिट। एंड तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में जाके इसके लिए नाम सजेस्ट करो और जिसका भी फनी और सबसे ज्यादा प्यारा नाम होगा वही हम इसका रखेंगे। ओ भाई साहब ये क्या है, पहले तो इसे कहीं देखा नहीं और इसने तो मेरा गोल्ड ब्लॉक भी उठा लिया, साली चोरनी। ठीक है फिर कोई बात नहीं, हम अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखते हैं। चलो देखते हैं कि इस चेस्ट में समय क्या मिल जाता है। ओ भाई साहब हमें मिल जाती है इसमें से एक और डार्क ओक सीड्स। हमारे पास पहले से ही दो पड़ी हुई है लेकिन हमें इसको ग्रो करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक और डार्क ओक सैपलिंग की। ओ भाई साहब लेजिट, हमारे वर्ल्ड में स्पॉन हो गया है एक पोलर बियर एंड उसके बाद मैं इस पोलर बियर को बाहर निकालता हूँ और ये तबाही मचा देता है एंड हमारे इस वनचक में एक और वुल्फी भी आ जाता है तो मैं जल्दी से उसको भी टेम कर लेता हूँ एंड फिर मैं अपने माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ एंड थोड़ी देर के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। ओ भाई साहब ओ नहीं 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 नहीं, उसके बाद स्ट्रिंग की मदद से मैं बनाता हूँ अपने लिए एक बो। गाइस इस वन ब्लॉक में हमें क्रीपर जैसे मॉब्स को मारने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है एंड उसके बाद रात हो जाती है तो मैं जल्दी से सो जाता हूँ। एंड गाइस थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो जाता है ओशन वाला फेज, लेकिन गाइस उससे पहले हम अपने एरिया को एक्सपेंड करने वाले हैं और हम बनाने वाले हैं इस वन ब्लॉक के नीचे एक और फ्लोर जो कि चारों तरफ से कवर होने वाला है।
गाइस अभी हमारा बड़ा सा एरिया बन के रेडी है और इसको बनाने के चक्कर में हमें हमारे ट्री फार्म भी निकालना पड़ा। तो फिर चलते हैं और सबसे पहले बनाते हैं अपने लिए एक बढ़िया सा ट्री फार्म। तो गाइस अभी हमारा ट्री फार्म बन के रेडी है। गाइस अभी स्टार्ट हो गया है ओशन फेज और इसमें हमें मिल सकते हैं बहुत ही सारे सैंड, बहुत ही सारा आयरन गोल्ड और बहुत सारे ओशन मॉन्यूमेंट वाले ब्लॉक। ओ भाई साहब लेजिट, हमें मिल चुके हैं यहाँ पर दो दो टर्टल। तो गाइस अभी यहाँ पर ड्रोन भी स्पॉन हो गए और एंडर गार्डियंस भी स्पॉन हो गए, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी बो की। तो गाइस अभी हमारे पास बो तो है एरो नहीं है, तो उसके लिए हम बनाने वाले हैं अभी मॉब फार्म। हमारा मॉब फार्म बन के रेडी है। उसके बाद मैं यहाँ पर बहुत देर तक एएफके हो जाता हूँ, जिनसे हमें मिल जाते हैं बहुत सारे एरो। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने बान में, जहाँ से हमें मिल जाते हैं बहुत सारे एक्स। हमारे पास इन टोटल आ गए हैं 11 एक्स, एंड इनमें से अगर किसी दो में मुगरी निकली तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओ भाई साहब लगे सब तो सब्सक्राइब कर ही दो। तो गाइस अभी हम अपने एरिया को चारों तरफ से कवर करने वाले हैं, जिससे हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं और वो भी बिल्कुल आसानी से। उसके बाद मैं वुड की मदद से बनाता हूँ बहुत सारे प्लैंक्स एंड लग जाता हूँ अपने एरिया को कन्वर्ट करने के लिए। बहुत देर तक तोड़फोड़ करने के बाद फाइनली एक परफेक्ट सर्कल बनी गया। सर्कल के साथ ही मैं बना लेता हूँ अपने और अपने एनिमल्स के लिए एक छोटा सा फूड फार्म, कि जिसको बनाने के लिए हमें और कोई भी ज्यादा आइटम की जरूरत नहीं है। तो गाइस अभी हमारा फूड फार्म बन के रेडी है और इसमें हमने लगाए हैं वाटरमेलन, पम्पकिन, ब्लूबेरीज, सीड्स और कैरेट, जिनसे हमें और हमारे एनिमल्स को कभी भी फूड की कमी नहीं होगी। उसके बाद मोनमिल की मदद से मैं अपने सीड्स को ग्रो करता हूँ एंड जल्दी से कट कर लेता हूँ एंड सीड्स को वापस से प्लांट कर देता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने बान हाउस पे और वहाँ पे एनिमल्स की ब्रीडिंग करवा देता हूँ, क्योंकि जब से आए तब से बेचारे भूखे हैं, इन्होंने खाना ही नहीं खाया क्योंकि मैंने दिया ही नहीं। उसके बाद मैं सारा आइटम को अपने चेस्ट में स्टोर कर देता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। ओ भाई साहब लेजिट, दे दे भाई, दे दे ट्राइडेंट, दे दे सिट रोटन फ्लेश, नहीं भाई ट्राइडेंट मांगा था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ओ भाई साहब नहीं 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 नहीं। तो गाइस अभी मैं मिल चुके हैं एडवांसमेंट और वो है टेक्टिकल फिशिंग। उसके बाद मैं फिर से लग जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। ओ भाई साहब लेजिट, हमें मिल चुका है इस वर्ल्ड का सबसे पहला डायमंड, और इससे भी पहले मुझे एक डायमंड और मिला था, लेकिन पता नहीं वो डायमंड क्लिप कहाँ चली गई। उसके बाद मैं अपने सारे के सारे आइटम को अपने चेस्ट में ट्रांसफर कर देता हूँ। 2 hours later। अबे कौन है तू, तुझसे मैं क्या डरता हूँ? अरे तुझे तो मैं वन शॉट कर दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई मजाक कर रहा था, मजाक कर, अरे छोड़ दे कि नहीं नहीं अब बोल। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने बाना हाउस पर और वहाँ से काउ की मदद से मैं अपने माइनिंग फटिक के इफेक्ट को हटा देता हूँ। तो गाइस अभी आप लोग गेस करो ओशन वाले फेज में चेस्ट से हमें क्या मिल सकता है, और जिसने सही गेस किया है उसको करनी पड़ेगी एक एक लाइक। साले तू। तो गाइस अभी तक हमने अपने इस वर्ल्ड में एक भी हाउस नहीं बनाया है, तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ हाउस बनाने के लिए, जो कि होने वाला है बहुत ही छोटा, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी हमारा छोटा सा हाउस बन के रेडी है, एंड मैं जब हाउस बना रहा था तभी हमारे बेस पर स्पॉन हो जाता है एक वंडरिंग ट्रेडर, एंड इसकी लूट को चेकआउट करने पर ये दे रहा था हमें बहुत ही सारा सामान। लेकिन गाइस अभी हमारे पास एमरल्ड नहीं है और ना ही तो कोई विलेजर, तो अब हम इनसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वंडरिंग ट्रेडर के दोनों लामा डिस्पॉन हो गए, पता नहीं कैसे। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने फूड फार्म में और बहुत सारे फूड को कलेक्ट करता हूँ। तो अभी अपने वन चंक से यहाँ पर फूड फार्म में या फिर मॉब फार्म में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो अभी हम कॉर्नर से बीच तक स्टेयर्स बनाने वाले हैं। उसको डेकोरेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी बहुत सारे लीव्स की, तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने ट्री फार्म में और बहुत सारे लीव्स को कलेक्ट करता हूँ। तो अभी आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो।
तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में हैशटैग भी स्पैम कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे वीडियो कितने लोग एंड तक देख रहे हैं। तो गाइस अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाऊंगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। बाय बाय, पीस।